देखिए ये क्या है पता है, मतलब अभी जो सूख गया है, जो जितना फ्लावर था मतलब जितना फूल था वो झड़ गया है, इसीलिए ऐसे ऐसे नजर नहीं आ रहे। एक्चुअली पेंगुइन बना था, बहुत दिन पहले बना था, इसीलिए लॉकडाउन तो चल रहा था 2 साल। अभी जो है थोड़ा बारिश हो रहा है, यह तो ठंडा का मौसम रहता है हमेशा, इसके लिए यहाँ पे क्या है ना एकदम हमेशा ठंडा रहता है। और देखिए ये क्या है, इसीलिए बना हुआ है छोटा सा झरना, अभी पानी शायद खत्म हो गया। वो क्या है मतलब क्रोकोडाइल यहाँ का जितना पेड़ है ना, देखिए मेरे ऊपर देखिए जितना पेड़ है सारे की सारी इतना खूबसूरत है। हम लोग हॉलीवुड मूवी देखते थे ना, कभी यहाँ से ऐसे 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 कुछ निकलता है, यहाँ पे पेड़ ही हो जाए, देखिए मतलब कितना कुछ निकल रहे है। दोस्तों ये जो पार्क है ये ऊटी बस स्टॉप से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर एक गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन और एक कमाल का पार्क है। यहाँ पे बहुत सारा कुछ देखने का और सीखने का चीज़ें है। और इसका शुरुआत हुआ था 1848 में, विलियम ग्राहम मैकलर ने शुरुआत किया था इसको। और ये समुद्र तल से 2500 से 2500 मीटर ऊंचाई पर है, तो यहाँ पे हमेशा ठंडा ही रहता है। और यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ का जो तापमात्रा होता है वो 0 से 28 डिग्री के बीच में होता है, तो यह एकदम वो आप लोग हेल्पफुल प्लेस कह सकते हो। दिल को सुकून और शांति मतलब हर तरफ से देने वाला जगह है ये। यहाँ पे चल के बैठ के हर चीज करके सिर्फ मजा ही मजा आता है। अभी हम लोग आ गए यहाँ पे, ये गार्डन ग्लास हाउस मतलब शीशे का घर। अभी हम लोग पूछ गए क्या पे ग्लास हाउस में ग्लास हाउस पूछे गए हैं। बहुत सारा फ्लोर है यहाँ पे, फोटो
सही गया हो तो वो अच्छा है। अरे वीडियो अन्न क्या है तो दोस्तों, पूरा दिन घूम के इतना भूख लग गया कि अभी चलने के भी मन नहीं कर रहे। तो मैं अभी जा रहा हूँ खाने के लिए। मैं जा रहा हूँ यास्मीन होटल, जो कि बस स्टॉप के एकदम ही नज़दीकी पर है। थोड़ी दूर पर है, मतलब चेक पोस्ट के सामने ही है। यहाँ पे बहुत अच्छे बिरयानी मिलता है। एक बार खा के गया तो अच्छा लगा था, इसलिए दोबारा आया हूँ। चेक करता हूँ ऐसा होता है। देखिए भाई, बिरयानी जो है मटर बिरयानी है। एकदम गरम गरम, बहुत गरम है। ठीक है, खा के आप लोगों को बता रहा हूँ। आठ बजे से हम गाड़ी में सफर करते हैं। 4:30 घंटा लगते हैं।